जैसे आप एयरपोर्ट में कितने सालों से काम कर रहे हैं, अभी आप कौन सी कंपनी में हो? जैसे बहुत सारे लोग हैं एयरपोर्ट में जॉब वैकेंसी ढूंढते ही ढूंढते हैं, हाँ, तो आप कैसे उनको क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे नौकरी ढूंढे? अच्छा, जैसे इंडिगो है, एयर एशिया है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, हाँ। इनमें कैसी वैकेंसीज निकलती है? वैसे उनकी भी नौकरी में पैसे लगते हैं क्या, कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं? अच्छा, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड रहती होगी सर, और लगभग सैलरी कितनी मिल जाती होगी स्टार्टिंग? अभी आपका काम क्या रहता है, क्या काम करते हो? अच्छा, तो कैसी है ये नौकरी, मतलब सिक्योरिटी वगैरह रहती है यहाँ? काम करने में कैसा लगता है, कितने घंटे की शिफ्ट होती होगी आप? तो ये मतलब प्रेशर तो नहीं रहता यहाँ पर कि काम करना है, ये करना है जैसे? दोस्तों, एयरपोर्ट पर एक ग्राउंड लेवल की वैकेंसी होती है जिसमें लोग जो है व्हीलचेयर चलाते हैं। जी हाँ, असहाय लोगों को फ्लाइट तक पहुंचाने का काम उनका रहता है, और ये जो वैकेंसी रहती है ये हर एक एयरलाइंस में होती है, और साथ ही साथ कुछ कंपनियां जो है थर्ड पार्टी के थ्रू ऐसे लोगों को हायर करती हैं, ऐसे लोगों को काम देती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, ये नौकरी आपको कैसे मिलती है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, सैलरी आपको कितनी दी जाती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको उन्हीं से जो कि इस प्रोफाइल में एयरपोर्ट पर काम करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दोस्तों आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस किया हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पर मिलने वाले हैं बहुत सारे ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंटरव्यू। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर, जैसे आप एयरपोर्ट में कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए मैम मेरे को। 2 साल हो गए। अच्छा, आप मतलब डायरेक्ट, जैसे अभी आप कौन सी कंपनी में हो? अभी ये एवी एक्सपर्ट कंपनी है हमारी। अच्छा, थर्ड पार्टी कंपनी है वैसे तो। अच्छा, तो दोस्त ने बताया था मेरे को यहाँ ऐसे। अच्छा। इंटरव्यू निकले हुए तो ऐसे आया था मैं यहाँ। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग हैं एयरपोर्ट में जॉब वैकेंसी ढूंढते ही ढूंढते हैं, हाँ बिल्कुल, तो आप कैसे उनको क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे नौकरी ढूंढे? जैसे आप अगर किसी का कोई दोस्त यहाँ पर काम करता है तब तो उसके लिए इजी है, फ्रॉड भी नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि पैसे भी लेते हैं यहाँ पर। अच्छा। तो ऐसे तो उसके लिए फ्रॉड नहीं होगा। अगर वो वेबसाइट पे करता है, उनसे बात करता है किसी बंदे से और उसको पैसे भेज देता है, तो मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा। गलत है वो तो बिल्कुल। मतलब ज्यादातर जो वैकेंसी मतलब सिलेक्शन होते हैं ये रेफरेंस के बेसिस पर होता है। हाँ, रेफरेंस भी होता है, रेफरेंस होना चाहिए आपका। अच्छा, जैसे इंडिगो है, एयर एशिया है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, इनमें कैसी वैकेंसीज निकलती है? वेबसाइट पे निकलती है, इनकी वेबसाइट नहीं पता कौन सी है पर। अच्छा। निकलती है, बाकी फेक वेबसाइट भी होती है इनकी। अच्छा। जो तो बंदे बना के रखते हैं ना फेक वेबसाइट। अच्छा। तो फ्रॉड कर लेते हैं बंदों के साथ, कुछ। अच्छा। नहीं पता था किसी को। वैसे उनकी भी नौकरी में पैसे लगते हैं क्या, कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं? हर एक में लगते हैं, मेरी में भी लगे हैं, और जो सी कंपनी है उसमें भी लगे हैं। अच्छा। सब में लगते हैं। सिक्योरिटी चार्ज होती है, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाते हैं, सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। यस, डीडी होती है। नौकरी के लिए नहीं लगते ना कि पैसे दो हम नौकरी लगवाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डीडी होती है, डीडी जमा होती है, 20 भी होती है, 25 भी, 50 भी, पता नहीं कितनी हो जाती है जो कंपनी है उसके। हाँ, नॉन रिफंडेबल भी होती है किसी कंपनी में, और किसी में नॉन रिफंडेबल भी नहीं है। मतलब इसलिए कराते कि बंदा छोड़ ना दे नौकरी, इसलिए कराते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड रहती होगी सर? मेरी 12 थी। 12? हाँ, तो 12वीं पास। हाँ, 12वीं पास पे भी रख लेते हैं, और ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए उसी के बेस पे, फिर पोस्ट मिलती है ना सुपरवाइजर की, टीएल की, जो भी। अच्छा, और लगभग सैलरी कितनी मिल जाती होगी स्टार्टिंग में? सैलरी मिनिमम सैलरी हर एक बंदे की, हर एक कंपनी में ना 20+ होती है, 20, 22, 23 प्लस होती है, सब अलग अलग रहती है। अभी आपका काम क्या रहता है, क्या काम करते हो? हम व्हीलचेयर चलाते हैं। अच्छा। एयर इंडिया की व्हीलचेयर करते हैं, जितने भी एयर इंडिया के ना व्हीलचेयर सभी हम ही करते हैं। अच्छा। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा है एयर इंडिया का। आपकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है जो एयर इंडिया के लिए काम करती है? एयर इंडिया के लिए काम। डायरेक्ट एयर इंडिया के भी लोग होते हैं वो? हाँ, डायरेक्ट भी है। अच्छा। वो काउंटर पे बैठे रहते हैं, वो सिस्टम पे जो बोर्डिंग पास निकालते हैं ना, हम सिर्फ व्हीलचेयर चलाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो कैसी है ये नौकरी, मतलब सिक्योरिटी वगैरह रहती है यहाँ पर? हाँ, रहती है। रहती है। हाँ। काम करने में कैसा लगता है, कितने घंटे की शिफ्ट होती होगी आपको? 8 घंटे की शिफ्ट है वैसे तो, सही है। एसी में रहना ना, गर्मी कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने की भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी मिल जाती है आराम से। अच्छा, तो ये मतलब प्रेशर तो नहीं रहता यहाँ पर कि काम करना है, ये करना है, जैसे बहुत सारे? मैम, किसी कंपनी में काम कर लो प्रेशर तो होता ही है। उनको तो आपने 8 घंटे काम करवाने हैं, पर हम पे इतना नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे लिए। ये जानकारी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच।
सो फ्रेंड्स, आई होप सर ने आपको काफी सारी जानकारी दी. आगे भी बहुत सारी वीडियोस में आप सभी के लिए एयरपोर्ट पर लेकर के आने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा. और ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये उस कंपनी की वेबसाइट है जिसमें सर काम करते हैं. इसमें अभी हायरिंग चल रही है या नहीं इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनका अप्लाई फॉर्म जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा. यहाँ पर देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. इस कंपनी का नाम है एवी एक्सपर्ट. यहाँ पर आपको सिंपली जो है इनके करियर पर जाना है. वैसे तो सर ने आपको बताया है कि यहाँ पर ज़्यादातर जॉब वैकेंसी रेफरेंसेस के थ्रू जो है निकलती हैं, तो आप चेक कीजिए कि कोई आपका जान पहचान वाला, कोई दोस्त, कोई साथी अगर यहाँ काम करता है तो आप उनके थ्रू यहाँ पर अप्लाई कीजिए. जैसा सर ने आपको बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराई जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कभी भी चले जाते हैं छोड़ करके, तो कंपनी के नाम से ही सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराया जाता है. ऐसा नहीं होता है कि आप हमें पैसे दो और हम आपकी नौकरी लगवाएंगे. प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों से तो आपको बचना ही बचना है. नौकरी के लिए किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं लगती है, सिक्योरिटी अमाउंट है. तो आप तभी डिपॉजिट कीजिए सिक्योरिटी अमाउंट जब आपका कोई जान पहचान का है या कोई आपका सगा रिश्तेदार या कोई ऐसा जो आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, वैसे लोग अगर कनेक्टेड है कंपनी के साथ. तो बाकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैं तो आपके लिए लेकर के आती हूँ जिसमें कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं होता, तो आप उसमें पहले अप्लाई कीजिए. और यहाँ पर इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको ये फॉर्म जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप सिंपली इसको फिल करिए. अगर कोई हायरिंग यहाँ पर होगी तो आपके पास कॉल आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा. और साथ ही साथ मैं आपको ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती ही करती हूँ, तो आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल जॉब नाउ 24/7 लाइव पर. मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.